जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। देखो, लॉजिकल रीजनिंग के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और बिल्कुल हम एक सिस्टमेटिक वे में शानदार तरीके से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चनों को सोल्व करना, बिल्कुल हम यहाँ पर इस चैनल पर हर यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं या फिर जो नए हैं, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एक बार अनअकैडमी के बारे में और बता देता हूँ। देखो, यदि आपका सपना है जेरफ क्वालिफाई करना, आप जेरफ क्वालिफाई करना चाहते हो, जेरफ पास करना चाहते हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इको हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, एक्स वाई जेड आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आप जेरफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर बहुत शानदार वाली तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी आपका जो सपना है जेरफ क्वालिफाई करने का, उसको पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो आप यदि अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर बैच ले सकते हैं, और अनअकैडमी पर बैच लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक डाला है, एप्लीकेशन का लिंक डाला है, जिसको आप इंस्टॉल करके और यहाँ पर बैच ले सकते हैं। देखो, अनअकैडमी फ़िलहाल एक बहुत ही शानदार वाला ऑफ़र लेके आया आप सभी के लिए। यहाँ पर आपको क्या होगा, टोटल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी जितनी फ़ीस होगी उस फीस पर आपको टोटल 20% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये 20% का डिस्काउंट आपको केवल एक ही कंडीशन में मिलेगी, और वो कंडीशन है यदि आप मेरा कोड AKS40 यूज करते हैं, ठीक है। ये मेरा अनअकैडमी पर कोड है AKS40। यदि आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपका जो जितना अमाउंट बन रहा है फीस का, उसमें आपको 20% की छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो आप ये कोड कर यूज करके अनअकैडमी से बैच परचेज कर सकते हैं। अब हम एक बार क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि कुत्ते सरीसृप नहीं होते, इनमें से कौन सा पद कुत्ते सरीसृप नहीं होते, इसमें कौन सा पद वितरित है। यहाँ पर कौन सा पद हमें देखने को मिल रहा है, पहला केवल उद्देश्य पद, दूसरा केवल विधेय पद, तीसरा उद्देश्य और विधेय दोनों पद, चौथा उद्देश्य और विधेय दोनों में से कोई नहीं। देखो, अब आपके दिमाग में सबसे पहले तो मैं बता दूँ, यहाँ पर उद्देश्य और विधेय, यदि आप मेरे पेड बैच में हो, आप मेरी रेगुलर क्लास लेते हो, तो आपको तो बिल्कुल किसी भी कंडीशन में ये उद्देश्य और विधेय को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्लास में ये जो डाउट थे उद्देश्य और विधेय को लेकर, ये बिल्कुल मैंने 100% क्लियर कर दिए थे, ठीक है। देखो, कुछ कुत्ते सरीसृप नहीं होते, यहाँ पर उद्देश्य और विधेय दोनों विद्यमान है, ठीक है। तो इस तरीके से ये था एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और बिल्कुल हम अपनी इस श्रृंखला को रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। आज मैं केवल एक क्लास के साथ इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूँ, अब हम बिल्कुल रेगुलर यहाँ पर 8-10 क्वेश्चन पर डे सोल्व किया करेंगे फर्स्ट पेपर के, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।